हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ली कॉर्नर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मी ऑन की आइपनोटाइज काजल की, जो कि एक बेस्ट अफोर्डेबल काजल है अंडर 200 रुपीज़ में, और ये बहुत ही अच्छा काजल है। आप देख सकते हैं मेरे पास इतने सारे काजल हैं। सबसे पहले मुझे पसंद था लैक्मे का काजल, फिर मुझे पसंद आया एलेटीन काजल क्योंकि वो बहुत ही सुपर अफोर्डेबल था, और साथ ही साथ ये बहुत ही एक अच्छा जेट ब्लैक कलर देता है। लेकिन अभी मुझे पसंद आने लगा है मी ऑन की ये काजल, जो कि मेरी सिस्टर की फ्रेंड करिश्मा इसे लगाती है। वो साल में 2-3 काजल तो मी ऑन के ख़त्म ही कर देती है, और इतना अच्छा जेट ब्लैक कलर आता है इसका, दूर से ही आप देखेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक आता है, जो कि ना ही दे पाता है लैक्मे, कोलेजल, एलेटीन, जो भी काजल है वो सब इनके सामने फेल है। तो हम दिखाएंगे, और सभी जितने भी लैक्मे कोलेजल हैं सबके स्वेचेस भी दिखाएंगे, और मी ऑन काजल में आपको डिफरेंस भी दिखाएंगे, तो आपको रियल में पता चल जाएगा कि ये काजल कितना अच्छा है। अगर आपको इसका वाटर टेस्ट देखना है तो मेरा एक वीडियो देखिए, जिसमें है तीरथगढ़ और चित्रकूट वाटरफॉल्स वाला, जहाँ पर मेरी सिस्टर और करिश्मा दोनों ने ही ये काजल लगाए हैं और इस वाटरफॉल्स में घूम के भी आया, और पूरा दिन वो काजल वैसे का वैसा ही रहा है और बहुत ही अच्छा लुक भी आया था। तो चलिए इसका रिव्यू देख लेते हैं। तो ये है वो मी ऑन की काजल, जो जिसका रियल प्राइस है 199 रुपीज़ में, लेकिन ये अमेज़ॉन पर आपको 131 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगी। ट्विस्ट अप फॉर्मूला बेस्ड है ये, देखिए हम इसे ट्विस्ट करते हैं तो ये निकल आता है, लेकिन ये वापस जा ही नहीं रहा तो इसमें ये खराबी है कि वापस नहीं जा रहा अगर आप इसे पूरा खोल लेते हैं तो। 0.35 ग्राम्स का ये प्रोडक्ट सुपर अफोर्डेबल है। आप देख सकते हैं काफ़ी जेट ब्लैक कलर है इसका, और आंखों में एक बहुत ही अच्छा बोल्ड लुक क्रिएट करता है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तीस मंथ मीन्स 2.5 साल तक आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं, और ये जो काजल है विटामिन ई से युक्त है। लोअर लिड, अपर लिड, वाटर लाइन और टाइट लाइन में भी लगा लेंगे काजल। सुपर अफोर्डेबल है ये काजल, और ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है काजल, क्योंकि ये स्मज फ्री काजल है और सुपर पिगमेंटेड भी है। तो चलिए इसका स्मज टेस्ट कर लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं कि बाकी काजल से ये कैसा है। तो सबसे पहले हमने हाथों में लगा लिया है एलेटीन की काजल, उसके बाद हम लगाने वाले हैं कोलेजल काजल, इसके बाद हम लगा लेंगे लैक्मे की काजल। ये कोलेजल काजल टूट गया। उसके बाद हमने लगा लिया है लैक्मे काजल एक स्ट्रोक, और हम लगाने वाले हैं अपना मी ऑन काजल की ये पहली स्ट्रोक। अब मैं इसे दो दो स्ट्रोक कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने दो दो स्ट्रोक लगा लिए हैं काजल के। अब चलिए इसे स्मच करके देखते हैं। ये स्मच नहीं हो रहा है, जो कि हमारा है मी ऑन काजल। इसके बाद जो जितने भी काजल हैं ये देखिए सब के सब स्मच हो गए। तो इससे ही आपको आइडिया मिल जाता है कि ये कितना ज़्यादा स्मच फ्री काजल है। तो इस तरह आपने देखा कि जो हमारा मी ऑन काजल है बाकी जितने भी ब्रांड्स के काजल हैं उनसे कितना डिफरेंट है। ये क्लेम करती है कि ये 12 घंटे आपकी आंखों में वैसे का वैसा ही बनी रहती है, जो कि एकदम सही है। सिंगल स्ट्रोक एक्शन ही काफ़ी है, तो ये भी सही है। सुपर ग्लाइड है ये, तो बहुत ही आसानी से ग्लाइड हो जाता है, बहुत ईजी टू यूज़ है, तो ये भी राइट है। और वाटरप्रूफ भी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आनी थी, और सब चीज़ जो डिटेल है वो अच्छे से इसमें मेंशन करनी थी, इसकी एक्सपायरी, फॉर्मूलेशन और इसका प्राइस, क्योंकि ये जो हमें पेंसिल मिला है उसमें कहीं भी इसका प्राइस मेंशन करके नहीं दिया है, और अमेज़न में भी ये अलग अलग प्राइस में आपको मिल जाएगी देखने को। इंग्रेडिएंट्स मिसिंग है कि ये किस चीज़ों से मिलकर बनी है, ये नहीं दिया गया है। ओनली हमें अमेज़ॉन का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उससे पता चला कि ये विटामिन ई से युक्त है। अगर आप इस काजल को ख़रीदने जा रहे हैं तो जितने भी प्रोस एंड कॉन्स हैं हमने बता दिए हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का काजल चाहिए, ये काजल चाहिए या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।